अब पावर बीआई में हमारा वाटरफॉल चार्ट हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं फुनल चार्ट का। ये जो आपको दिख रहा है इसको फुनल चार्ट कहते हैं, फुनल चार्ट का। अब फुनल चार्ट का कैसे उपयोग करते हैं, क्या उसकी चीजें हैं, एक बार हम आपके साथ बात करते हैं। जैसे कि इसमें भी हमने नेम और यहाँ पे हमने क्वांटिटी को रखा, तो इसने क्या किया, सबसे पहले देख लीजिए कि सबसे हाईएस्ट को इसने ऊपर रखा, फिर लोएस्ट, फिर लोएस्ट, लोएस्ट। तो वाटरफॉल चार्ट में क्या था कि इसने क्या किया था कि वाटरफॉल चार्ट में इसने किया था आपका कि टोटल दे दिया था, समझे, फिर टोटल के टोटल लिया था, फिर टोटल के कंपेयरिंग में बाकी वो फ्लो दिखाया था। बट इसने क्या किया कि आपका जो चार्ट बार चार्ट समझ लीजिए, फुल्ली बार चार्ट, और इसने सबसे हाईएस्ट को टॉप में रखा, फिर लोएस्ट, फिर लोएस्ट, फिर लोएस्ट, फिर लोएस्ट, लोएस्ट सबसे नीचे। तो इससे ईजिली हमें कंपेयरिंग निकलता है कि किसका क्या सिक्वेंस है, समझे। और इसमें भी आप अगर मान लीजिए एमआरपी को हम वैल्यू में दो बार रख देते हैं तो इससे कुछ फर्क इसको नहीं पड़ा, नहीं पड़ा, नहीं पड़ा, क्योंकि ये भी बोलता है कि फुनल चार्ट बोल रहा है कि आप एक ही फील्ड रखोगे। जैसे क्वांटिटी है, अगर मैंने इसके अंदर एमआरपी रखा तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे सिर्फ एमआरपी का अकॉर्डिंग ही दिखा रहा है, बाकी आपका दिखेगा ही नहीं। जैसे मैं देखिए एमआरपी को यहाँ से हटाता हूँ तो सारा हट जा रहा है, तो ऑटोमेटिक वो एक जो एक ही को एक्सेप्ट करेगा, दो को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और सेम अगर आप यहाँ एरिया, मान लीजिए एरिया लिखते हैं, ग्रुप में लिखते हैं, आप ग्रुप में डालते हैं, तो यहाँ भी सेम है कि आप डालो तो दो ग्रुप, लेकिन आपका चार्ट विजुलाइज होगा किसी एक ग्रुप के अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें भी एक चीज़ें हैं, जैसे हमने ग्रुप यहाँ पे डाल में डाल दिया, तो एक चीज़ देखिए यहाँ कुछ चीज़ें आ जा रही है, आ गई सर जी, देखिए समझ आया कुछ, दोबारा बताइए एक मिनट। अभी चार्ट हमारा नेम वाइज दिख रहा है, ठीक दिख रहा है सर। अभी इसमें कुछ यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं, इसको टूल टिप कहते हैं। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ अपने एरिया को, मान एरिया है, मान लीजिए एरिया को मैंने उठा के कहाँ रखा, नेम के अंदर, नेम के अंदर, ग्रुप में, ग्रुप में जी। तो यहाँ एक देखिए टूल टिप आ गया, आ गया सर। अब जैसे कि मैंने इस पे डाउन पे क्लिक कर दिया, अब तो यहाँ एक्टिवेटेड नहीं है, डाउन एक्टिवेट है। अब इसे डाउन पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए जो हमारा चार्ट बना वो किसके थ्रू बना, एरिया, एरिया वाइज, समझ गए। अगर मैंने इसको उठा के सिटी भी रख दिया है, मान लीजिए नीचे सिटी कर देगा, तो फिर एक बार और मैं नीचे करूंगा तो ये आपका सिटी वाइज आ गया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ आप जो है कितना भी फील्ड क्यों ना रख दे, वन टाइम में वो एक ही फुनल चार्ट शो करेगा, बट उसमें नीचे हैवी टूल टिप दिख जाएगा, जिस कारण से आप जो है अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ओके, समझ गए, ओके सर, क्लियर है फुनल चार्ट जी। अब फुनल चार्ट की फॉर्मेटिंग के बारे में देख लेते हैं। इसमें फॉर्मेटिंग आपका कैटेगरी को शो करना है या नहीं शो करना है, जो कैटेगरी था कैटेगरी दिख रहा था, इसमें एक्सेस वगैरह नहीं है, ठीक है। डेटा कलर, डेटा का कलर कैसा चाहिए आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ आपका होता है लेबल, अब इसमें डेटा कलर में आप इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे कि ये चीज़ मैं बताऊँगा आपका, कलर स्केल हुआ, कलर का नेम हो गया, ये आपका काउंट में आ गया एज जीरो, ओके, ठीक है ना, ओके, मिनिमम और मैक्सिमम, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लोएस्ट वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू। लोएस्ट वैल्यू के जगह पे हमने कस्टम कर दिया, वैल्यू कर दिया कि यहाँ ग्रेटर, हम यहाँ पे नंबर डाल देते हैं 2500, रिजर्विंग कर लिया हमने। मिडल वैल्यू में कस्टम, हम यहाँ पे मिडल वैल्यू ठीक है चलेगा, और ये आपका चलेगा, और इसे जस्ट ओके कर देते हैं।
ये आपका जो 25K से जो ऊपर था वही हाईलाइट हुआ, ये हाईलाइट हुआ है 26.5 जो हाईलाइट हुआ उसके नियरेस्ट हुआ था, बाकी वो डिस हाईलाइटेड है। इसलिए कस्टमर ये जो रूल्स है ये रूल्स हम आपको समझाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें तो बता दिया है किस तरह से रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, फुल चार्ट समझ में आया आपको? समझ गया सर।